हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जेईई 2021 फिजिक्स पेपर 2 के प्रॉब्लम नंबर 2 से प्रॉब्लम नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। यह है प्रॉब्लम 2, तो अप्रोचिंग विद स्पीड यू टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ एल इज एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एस। The farther end of the pipe is closed. The speed of sound in air is v, and f naught is the fundamental frequency of the pipe. For which of the following combinations of u and f s, the sound reaching the pipe lead to a resonance? Option A, u equal to 0.8 v, and f s is equal to f naught. Option B, u equal to 0.8 v and f s equal to 2 f naught. Option C, u equal to 0.8 v and f s equal to 0.5 f naught. And option D, u equal to 0.5 v and f s is equal to 1.5 f naught. तो देखिए, मान लीजिए कि ये पाइप है जिसका एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है, और ये सोर्स है जो कि पाइप की तरफ जा रहा है, और सोर्स की जो वेलोसिटी है वो तो यू है। इस पाइप का लेंथ एल है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। अब हम ये बात रिकॉल करें कि जिस पाइप का एक एंड क्लोज होता है, इसमें जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एफ नॉट, 3 f naught, 5 f naught एंड सो ऑन, यानी कि केवल ऑड हार्मोनिक ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, वी। सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ एस है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की होगी, जो कि पाइप के ओपन एंड पर आएगी, अगर हम इसको एफ डैश मान ले, तो फिर डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, एफ डैश विल बी इक्वल टू वी अपॉन v माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई एफ एस। अब तो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी में u का वैल्यू दे रखा है 0.8 v। अगर u की वैल्यू को 0.8 v लेंगे तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन 0.2 v इंटू एफ एस, तो दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई एफ एस। अब ऑप्शन ए की बात करें तो एफ एस को एफ नॉट के बराबर कहा गया है, तो एफ डैश हो जाएगा 5 f naught, और 5 f naught को एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है इस पाइप की, तो यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो एफ एस को कहा गया है 2 f naught, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 f naught, लेकिन इवन हार्मोनिक तो प्रेजेंट होंगे नहीं, तो ऑप्शन बी इज नॉट अलाउड। ऑप्शन सी की बात करें, एफ एस को कहा गया है 0.5 f naught, तो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 5 × 0.5 f naught, यानी कि 2.5 f naught। अब 2.5 f naught तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो सी वाले में भी
रेजोनेंस नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें यू का वैल्यू है 0.5 V, तो एफ डेथ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 FF। अब FF का वैल्यू दे रखा है 1.5 F0, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 F0, और 3 F0 की फ्रीक्वेंसी तो प्रेजेंट है, तो यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। और इससे अब ये बात क्लियर है कि प्रॉब्लम 2 के जो करेक्ट आंसर हैं वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। नाउ वी कम टू प्रॉब्लम 3। फॉर ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल थीटा इक्वल टू 60 degree, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ आर respectively n1 and n2, n2 is greater than or equal to n1 as shown in the figure. The angle of incidence I is chosen such that the incident light rays will have minimum deviation if n1 is equal to n2 equal to n equal to 1.5. For the case of an equal refractive index, n1 equal to n and n2 equal to n plus delta n, where delta n is very much less than n, the angle of emergence E is I plus delta E. Which of the following statements each are correct? The value of delta E in radians is greater than that of delta N. Delta E is proportional to delta N. Delta E lies between 2 and 3 milliradians if delta N is 2.8 into 10 raised to minus 3. Delta E lies between 1 and 1.6 milliradians if delta n is 2.8 into 10 raised to minus 3. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम n1 equal to n2 equal to n equal to 3/2 वाला केस देख लेते हैं। इसमें ये प्रिज्म है, n1 और n2 बराबर हो चुके हैं, अब इसमें मिनिमम डिविएशन वाले केस में क्या होगा कि कोई लाइट रे इस तरह से आएगी और प्रिज्म के बेस के रेस्पेक्ट में ये प्रिज्म के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली पास करेगी, और जाते समय जब ये प्रिज्म के अंदर होगी तो प्रिज्म के बेस पे ये पैरेलल होगी। अब देखिएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा ई, मिनिमम डिविएशन के केस में ई और आई बराबर होंगे, साथ ही साथ R1 will be equal to R2, that will be a/2, so that will be 30 degree, यानी कि ये एंगल और ये एंगल R1 और R2 30 degree हो जाएंगे। Now sin I upon sin R1, it will be the refractive index of the prism 3/2, that will be sin I upon half, तो sin i का वैल्यू आ जाएगा 3/4 और i की वैल्यू हो जाएगी sin inverse 3/4। अब हम वो केस लेते हैं जिसमें n1 को 3/2 रखते हुए N2 की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है,
अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कि आई और ई बराबर है और सी बाई टू इंटू साइन आर टू यानी कि साइन थर्टी इज इक्वल टू वन इंटू साइन ई। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एन वन की वैल्यू को तो थ्री बाई टू ही रखा, एन टू की वैल्यू को थ्री बाई टू प्लस डेल्टा एन कर दिया। अब देखिए जो लाइट रे आ रही है, पहले सरफेस में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो वो जैसे पहले गई थी वैसे ही अभी भी जाएगी। जब वो दोनों मीडियम से इंटरफेस पर आएगी तो यहां पर ये लाइट से परपेंडिकुलर होगी, इसलिए अनडिविएटेड चली जाएगी। अब जब ये सेकंड सरफेस पर आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 30 डिग्री रहेगा और फिर ये बाहर आएगी। और जब ये बाहर आएगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस थोड़ा सा बढ़ गया होगा, मान लीजिए अब वो हो गया है ई प्लस डेल्टा ई। ये बात अब आप कह सकते हो कि थ्री बाई टू प्लस डेल्टा एन इंटू साइन थर्टी इज वन इंटू साइन ई प्लस डेल्टा ई, यानी कि थ्री बाई टू इंटू साइन थर्टी प्लस डेल्टा एन साइन थर्टी इज इक्वल टू साइन ई कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस ई साइन डेल्टा ई। अब देखिए ये बन जाएगा थ्री बाई फोर प्लस डेल्टा एन बाई टू। अच्छा कॉस डेल्टा ई को वन मान सकते हैं, तो साइन ई प्लस कॉस ई। अब देखिए जो एंगल ई है तो साइन ई का वैल्यू थ्री बाई फोर है, ये वाली साइड हो जाएगी रूट सेवन और कॉस ई का वैल्यू आ जाएगा रूट सेवन बाई फोर। तो दिस विल बी रूट सेवन बाई फोर इंटू साइन डेल्टा ई, तो दैट विल बी डेल्टा ई। अब ये बात भी क्लियर है कि थ्री बाई फोर और साइन ई तो बराबर है, तो डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा टू बाई रूट सेवन इंटू डेल्टा है। डेल्टा ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू बाई रूट सेवन इंटू डेल्टा एन। अब ये तो बात एकदम क्लियर है कि टू बाई रूट सेवन इज लेस देन वन, देयरफॉर डेल्टा ई इज लेस देन डेल्टा एन। हाँ डेल्टा ई डेल्टा एन के प्रोपोर्शनल तो है। फिर अगर डेल्टा एन की वैल्यू को टू पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री रेडियन हम कर दें तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी टू बाई रूट सेवन
2.8 × 10⁻³ रेडियन। और ये अगर आप कैलकुलेट करें तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ये 2.11 मिली रेडियन आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर है कि डेल्टा एन की जो वैल्यू है अगर वो 2.8 × 10⁻³ रेडियन है तो डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियन। ठीक है ना, डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियन एंड देयरफॉर जो करेक्ट ऑप्शन इस प्रॉब्लम में होंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन और ऑप्शन सी डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियन इफ डेल्टा एन इज 2.8 × 10⁻³। और अगर ऑप्शन सी करेक्ट है तो बी तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो गया। प्रॉब्लम 4, ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज एफ इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। द डायमेंशंस ऑफ वेक्टर एफ आर सेम एज द डायमेंशंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब देखिए बात को, क्योंकि वेक्टर एफ की वैल्यू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट है, हमें केवल यूनिट निकालना है। यूनिट तो यूनिट के लिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ एफ इज यूनिट ऑफ ई into unit of B upon unit of mu naught। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप जानते हो कि इंटीग्रल B डॉट dl इज mu naught into I। अगर यूनिट मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे टेस्ला मीटर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ म्यू नॉट इंटू एम्पियर। यूनिट ऑफ म्यू नॉट हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर, इसको आप कह सकते हो जूल अपॉन कूलम मीटर। और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है टेस्ला। तो यूनिट ऑफ एफ हो जाएगा जूल अपॉन कूलम मीटर मल्टीप्लाइड बाय टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय 1/μ0, वो हो जाएगा एम्पियर अपॉन टेस्ला मीटर। अब ध्यान से देखिएगा कि टेस्ला तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ एम्पियर क्या होता है, एम्पियर इज 1 coulomb per second। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी जूल पर सेकेंड इंटू 1/m² तो जूल पर सेकेंड क्या है, जूल पर सेकेंड है पावर यानी कि वॉट। तो अब एक बात एकदम क्लियर है कि यूनिट ऑफ
जो एफ है वो हो जाएगा यूनिट ऑफ पावर अपॉन एरिया, ठीक है ना, यूनिट ऑफ ठीक है। तो एक तो ये क्लियर है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ ऑप्शन बी जो है फोर्थ अपॉन लेंथ इनटू टाइम, इसे आप कर सकते हो फोर्थ इनटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू वन बाई एल स्क्वायर। तो फोर्थ इंटू लेंथ क्या हो गया वर्क, वर्क अपॉन टाइम हो गया पावर, और एल स्क्वायर एरिया, तो पावर अपॉन एरिया। तो ऑप्शन बी का जो यूनिट है और ऑप्शन डी का जो यूनिट है और क्वांटिटी एफ का जो यूनिट है वो तीनों सेम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी और डी। अब जो जो रिलेशन यूनिट के लिए ट्रू है वही डायमेंशन के लिए भी ट्रू होगा, तो बी और डी को आंसर कह सकते हैं। फिर प्रॉब्लम फाइव, तो ए हैवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट अंडरगोज फिशन n tending to p plus q, तो n ब्रेक होता है p plus q में, ठीक है, where p and q are two lighter nuclei, let del is equal to mn minus mp minus mq, where mp, mq and mn are the masses of p, q and n respectively, pp and eq are the kinetic energies of p and q respectively, the speeds of p and q are vp and v2 respectively. If p is the speed of light, which of the following statements is are correct? A. ep plus eq is p square del. ep is mp upon mp plus mq into p square del. vp upon v2 is mq upon mp. The magnitude of momentum for p as well as q is t root 2 mu del, where mu is mp mq upon mp plus mq. So, देखिए इसमें m convert हो रहा है p plus q में, और n है initially rect पे। तो आप एक तो यही बात समझ लीजिए, जैसे ये m का न्यूक्लियस है और ये q का न्यूक्लियस है, सॉरी ये p का न्यूक्लियस है और ये q का है, तो मान लीजिए p की वेलोसिटी है vp और q की वेलोसिटी है vq, by conservation of linear momentum mp into vp minus mq into vq will be zero, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हो गई, एम पी इंटू बी पी इज एम क्यू इंटू बी क्यू, तो यहां से आपका ऑप्शन सी जो है वी पी अपॉन वी क्यू इज एम क्यू अपॉन एम पी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फिर ये भी बात क्लियर है, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी अप्लाई करें तो मास ऑफ एन इज मास ऑफ पी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी प्लस मास ऑफ क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू, तो ई पी प्लस ई क्यू विल बी, अच्छा एक मिनट, यहां पर गलती ये हो गई कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी लिखना है और m का जो मास है वो mt स्क्वायर की एनर्जी के बराबर है, तो आप लिखोगे
mn into p square is equal to mp into p square plus ep plus mq into p square plus eq. ठीक है, ऐसा आप लिखोगे. अब ep plus eq will be mn minus mp माइनस एम क्यू इंटू सी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू डेल. ठीक है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ये हम चेक कर चुके हैं. अब ईपी या ईक्यू की वैल्यू निकालने की अगर बात हो तो मोमेंटम को अगर इक्वेट करना है तो मोमेंटम को जब आप इक्वेट करते हैं तो आपको मिलता है रूट टू एम पी इंटू ईपी इज रूट टू एम क्यू इंटू ईक्यू. इससे आपको मिलेगा ईपी इज इक्वल टू एम क्यू ईक्यू upon MP. EP plus EQ हो जाएगा MQ by MP into EQ plus EQ. That will be EQ MQ plus MP by MP and that will be t square del. Therefore eq will be equal to mp upon mq plus mp into t square del. इसी तरह से ep का वैल्यू हो जाएगा mq upon MQ plus MP into T squared L. अब ऑप्शन बी जो कह रहा है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है देखिए कि EP is MP upon MP plus MQ into T squared L. तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है. फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है वो पी और क्यू दोनों का बराबर है और उसको आप कह सकते हो रूट टू. मान लो हम पी का लिखें तो ई पी इंटू एम पी, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू एम क्यू एम पी अपॉन MQ plus MP into T square del. तो P का वैल्यू आ जाएगा P square root of 2 mu del. तो ऑप्शन D में जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो करेक्ट है. ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो करेक्ट आंसर थे वो हो जाएगा ए बी और डी. फिर प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं. Two concentric circular loops, one of radius r and the other of radius 2r, lie in the
at my plane with the origins at their common center as shown in the figure. The smaller loop carries current I1 in the anti-clockwise direction and the larger loop carries current I2 in the clockwise direction with I2 greater than 2I1. Bx, y denote the magnetic field at a point xy in the xy plane. Which of the following statements which are correct? BXY is perpendicular to the XY plane at any point in the plane. अब इसमें तो देखो ऐसा है, जो वेक्टर DL है, वो XY plane में होगा, जो वेक्टर R होगा, वो भी XY plane में होगा, तो जो वेक्टर DL cross वेक्टर R होगा it will be along z axis. So vector b x comma y is perpendicular to the xy plane at any point in the plane. ये बात तो एकदम ठीक है. फिर दूसरा बात क्या कह रहा है, b का जो मैग्नीट्यूड है it depends on x and y only through the radial distance r equal to root x square plus y square. इसमें ऐसी बात है कि जैसे आप कोई सर्किल बना दो, मान लीजिए ये कोई सर्किल हमने बनाया जिसका सेंटर है O. अब इसके सारे पॉइंट एक जैसे हैं, क्योंकि इस सर्किल के सारे पॉइंट एक जैसे हैं और सभी की दूरी ओरिजिन से R है, तो सारे पॉइंट पर एक जैसी फील्ड ही होगी. और इससे ये बात भी क्लियर है कि जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ R पे डिपेंड करेगा. तो आप ये बात बाइसिमेट्री कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्स एंड वाई किसी पॉइंट पर डिपेंड करेगी ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर. ये भी ठीक है. फिर जो आपका तीसरा है कि बी इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट फॉर स्मॉल आर लेस देन आर. इसके लिए देखो आप ऐसा है ये मान लीजिए एक सर्किल हो गया और ये दूसरा सर्किल हो गया. ठीक. अब अगर आप फील्ड की बात करें तो देखिए जो I2 करंट है वो क्लॉकवाइज है और जो I1 करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है. तो I1 की फील्ड को B1 मान ले और I2 की फील्ड को B2 मान ले. तो पहले तो फील्ड के डायरेक्शन लिख ले, B1 और B2. तो B1 छोटे लूप के अंदर आउटवर्ड है, B2 इनवर्ड है. तो छोटे लूप के बाहर B1 भी इनवर्ड हो जाएगा, B2 भी इनवर्ड हो जाएगा. फाइनली अगर हम बात करें आउटसाइड द टू लूप, तो जब आप लूप के बाहर आ जाएंगे तो बी वन जो होगा वो इन्वर्ट रहेगा और बी टू जो होगा वो आउटवर्ड रहेगा. अब जैसे कि सेंटर पे बात करें, ऑरिजिन ओ पे बात करें फील्ड की, तो ऑरिजिन ओ पर फील्ड क्या होगी, इट विल बी म्यू नॉट आई टू बाई फोर आर माइनस म्यू नॉट आई वन बाई टू आर एंड दैट इज इनवर्ट.
तो बी नॉट विल बी म्यू नॉट बाई फोर आर आई टू माइनस टू आई वन, और आई टू को टू आई वन से ग्रेटर दे ही रखा है, तो दिस इज पॉजिटिव, यानी कि जो सेंटर ओ है तो वहां पर फील्ड कैसी है, इट इज इनवर्ड। अब ये भी बात आप समझिए कि जो अंदर वाला लूप है उसकी सर्कमफ्रेंस के पास, जैसे यहां पर ये बात भी क्लियर है कि यहां पर जो फील्ड होगी बी डैश विल बी लार्ज एंड इट विल बी आउटवर्ड, तो बी डैश की एक लार्ज वैल्यू होगी और वो आउटवर्ड होगी, जबकि सेंटर पे फील्ड इनवर्ड थे। ये क्लियर बात है कि सेंटर से इसकी सर्कमफ्रेंस तक जाने में फील्ड इनवर्ड से आउटवर्ड हो रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं फील्ड जीरो जरूर हुई होगी। तो छोटे लूप के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर फील्ड क्या हुई होगी, जीरो। तो इससे ये बात सामने आ जाती है कि जो ऑप्शन सी है कि बी इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट इनसाइड द स्मॉलर लूप, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। फिर डी जो कह रहा है B points normally outward from the xy plane for all the points between the two loops. तो आप देख सकते हो between the two loops तो दोनों का field inward है, यानी कि यहाँ पे जो net field होगी वो भी inward होगी, तो option D भी क्या हो गया, incorrect हो गया। अब इसमें जो correct option बचे वो सिर्फ दो ही हैं, option A और option B. I hope all these problems are clear to you. Thank you.